हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी अच्छा होने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहना। और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा हमने गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पर बहुत तेज। तो फिलहाल मैं अभी आपको टेरेस पर ले चलूँगी, टेरेस पर एक ज़रूरी काम करना है तो बन रही है। और नीचे भी मैंने ना काफ़ी सारे ला चुकी हूँ, क्योंकि टेरेस का काम तो सुबह फिनिश कर लिया था मैंने, और अब नीचे का है। कल भी मैंने बोला था कि मैं आज करूँगी, पर अभी लेट तक करना पड़ेगा, क्योंकि पौधों की हालत थोड़ी सी है, जेट प्लांटों की ऐसी हो रही है। और कुछ है जो लगाना है नया, तो एक बार आपको यहाँ का दिखा देती हूँ। और ये देखिए फोर्चुला की कटिंग है, ये भी लगानी है, क्योंकि सुबह निकाली थी, गमलों में लग रही थी एक्स्ट्रा। और ये खाद वाद है, मिट्टी विट्टी सब रेडी कर रखी है। और इधर देखिए एलोवेरा वगैरह है, तो यहाँ से कुछ पौधों को सही करना है अभी। तो सबसे पहले चलते हैं फिर टेरेस पे, टेरेस का काम फिनिश करके आती हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। तो कैंची ले लेते हैं। मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ और अपनी चाय भी लेके आ चुकी हूँ। और ये आगे का जो लगा रखा है बेडशीट, इसको हटा लेती हूँ। और आप लोग भी चाय पी लीजिए, मैं चाय पी के अभी ऐसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने है ना जो आगे की जो बेडशीट लगा रही थी वो हटा दी है। और फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप पड़ने लगी है कि मेरे है ना जो गुड़ेल के इनके सारे फ्लोवर है ना जल जाते हैं। और आज मैंने थोड़े अच्छे से छाया करी थी, अभी तो मैंने हटा दी है। और जैसे थोड़ी नेट मेरी है ना हल्की वाली है, अब इससे भी अच्छी लाने की सोचूंगी, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब गुड़ेल के और फ्लोवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और अभी मैं फ्लोवरों का ही काम करने जा रही हूँ, और वो है जीनिया के जो फ्लोवर है फ्रेंड्स, पूरे ही है ना जो खिल के ख़राब हो चुके हैं, और इनको कट करना मुझे अब हो रहा है, क्योंकि चार दिन से मैं रेगुलर कंटिन्यू है ना फ्रेंड्स, जैसे लौकी गिलकी की बेल लगाना, गमले वमले भरना, गार्डन को सेटल करना, तो थोड़ा थोड़ा कर करके अब जाके थोड़ा सा स्थिर हुआ है। तो अभी जीनिया के जो ये तो साल भर ही फ्लोवरिंग देते हैं, तो देख लीजिए इनको भी अभी कर देती हूँ साथ के साथ ही, ताकि पुराने फ्लोवर को हटाएंगे तभी जाके नए फ्लोवर या कलियाँ बनेगी, उनको पोषण मिलेगा। तो इतने सारे अभी इनके बीज भी बन गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनके भी जैसे वो दीदी ने बीज से ग्रो किए थे, मैंने भी किए थे कई बार, मेरे भी निकले थे, पर अब जो बीज है बहुत सारे कलेक्ट कर लूँगी मैं, तो उनको बीज लगाऊँगी अभी। तो फिलहाल जो पुराने बीज हैं उनको कट कर लेते हैं, और संजय का टाइम हो चुका है, क्योंकि लेट हो जाते हैं फिर इस गर्मी की वजह से। और ये देख लीजिए, आज तो मेरे है ना मोगरे का एक फ्लोवर खिलेगा, कलियाँ थोड़ी सी खिलने जा रही है, और देखते हैं इस बार का कैसा प्लांट है मेरा, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। मेरा पिछली बार का तो बहुत शानदार था, जो 2 साल तक मेरा वो चला था। तो और गुलाब में अभी ये कंडीशन है, और कनेर के भी धूप से आज थोड़ा बचाया मैंने इनको। और अब करते हैं, और देखिए डेंथिस के पुराने फ्लोवरों को तो पिंच करना ही है मुझे, इनको करेंगे तभी जाके नए कलियाँ बनेगी, और अभी फ्लावरिंग दे रहे हैं ये देख लीजिए। और ये रहे जीनिया के, तो इनको फटाफट से पुराने फ्लावरों को सबको कट करना है, ये देखिए फिर नए नए कलियाँ बनेगी, क्योंकि सारे ख़राब हो चुके हैं, ये सीड्स बनने लगे हैं, ये देखिए। तो फिर सारे कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने कितने सारे फ्लावर कट किए हैं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स, तो ये कट कर लिए। सारे फ्लोवरों को मैं एक जगह रख लेती हूँ, और देखिए जैसे गुड़ेल के फ्लोवर भी खिलते हैं, तो इनको भी मैं रख लेती हूँ, जैसे कई चीज़ें बनती है, फेस के भी काम आते हैं फ्लोवरों के पत्ते, कोई फिलहाल रख लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कोई छोटी छोटी कलियाँ बन रही है, ये देख लीजिए, अभी इनको अच्छे से ग्रोथ हो पोषण मिलने लग जाएगा, क्योंकि जित फ्लोवर क्या है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खाते रहते हैं। अब ये बिल्कुल कलर भी फैट हो गया है, और इनका जो कलर निकलता है पिंक कलर का बहुत शानदार होता है। और सेम यही इसमें करना है दूसरे वाले गमले में, इसमें भी देख लीजिए ये वाला कलर इतना शानदार निकलता है इसका, नया नया जो खिलेगा जब। और देखिए पूरा फ्लोवर से भरा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल इसको सबको कट कर लेते हैं। ट्रिक और बताती हूँ, जैसे कड़ी पत्ता है, तो कड़ी पत्ते में जब जैसे अपन खाने के लिए यूज करते रहते हैं, तो ऊपर से नहीं तोड़ना, और नीचे नीचे की जो ब्रांच होती है उनको, जैसे नीचे की पत्तियाँ होती हैं उनको तोड़ लेती हूँ मैं, और नीचे के तना भी मोटा होता जाता है, और कामें भी घर के काम आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं तोड़ती हूँ, तो आप दिखाती हूँ कैसे तोड़ती हूँ। देखिए
रोज ही ले जाती है मेरी बेटियाँ तोड़ के, पर मैं ये देखिए नीचे 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 की ब्रांच है, यहाँ से मैं लेती जाऊँगी। तो इससे दो फायदे हैं, एक तो नीचे का तना मजबूत भी हो जाएगा और आराम से घर के लिए कड़ी पत्ता भी निकल जाएगा। तो ये देख लीजिए फ्रेश कड़ी पत्ता, और ये नीचे का तना देख लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और लकड़ी का सपोर्ट मैंने लगा ही दिखाया है फिलहाल ही। तो ये देख लीजिए, दिखाती हूँ मैं आपको चांदनी के डबल पैटर्न में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आज दो फ्लावर खिल चुके हैं और बढ़िया बिग साइज़ के निकल रहे हैं। और ये गर्मी में, पूरी गर्मी, अब सर्दी में थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है, नहीं तो सारी बरसात गर्मी अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो अभी फ़िलहाल दिखाते हैं आपको, कल एक खिला था, आज सेकंड फ्लावर खिल चुका है और काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए छोटी छोटी कलियाँ बन रही हैं इसके अंदर, ये देखिए। और सबसे हार्डी प्लांट और सबसे ज़्यादा केयर वाला, केयर भी नहीं करनी पड़ती, ये सदाबहार का जो बिंगा बोलते हैं। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा गार्डन में लग रहा है। मेरे फोरचला में ना फ्लावरिंग हुई थी और मैंने जल्दी जल्दी काम करके चल गई, और धूप की वजह से तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और फोरचला की फ्लावरिंग भी आपको देखने को ढेर सारी मिलेगी, क्योंकि मैंने गई साल काफ़ी लगाई थी, और इस बार तो मैंने इन्हें एकदम से यूँ मान के चली है कि बीज भी नहीं डाला है, मतलब कटिंग भी नहीं लगाई, ऑलरेडी मिट्टी में ही इसके जो बीज खिर गए थे ना, तो वही है ना इसके अंदर उग चुके हैं, और काफ़ी अच्छी लॉन्ग ग्रोथ हो चुकी है। तो इसी में कट कर करके मैं काफ़ी सारी लगा दूँगी, तो फिलहाल आपको दिखा देती हूँ। अभी संध्या का टाइम हो चुका है और आज हमारे फ्लावरिंग हुई थी, इसके अंदर देख ली पूरा खिला था, शानदार लग रहा था। और ये देखिए, ये भी एक औषधि पौधा है, तो इसी में लगा रखा है। और मेरे नींबू के पौधे की ग्रोथ देख लीजिए, काफ़ी अच्छी हो रही है। अब देखते हैं इस साल इसमें फल आता है कि नहीं आता है। और ये पर्पल हार्ट है, इसमें फ्लावरिंग फ्लावर खिले थे सुबह मॉर्निंग में, अभी थोड़े बंद हो चुके हैं। और ये देखिए, इन पर तो कोई असर नहीं पड़ता फ्रेंड्स, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज़ हो, इन फूलों पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुत ही शानदार फ्लावर प्लांट है, और ये बोलते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत सही होता है। तो देखो मेरे को इतना उपयोग तो नहीं आता कि क्या करते हैं इसको, पर अच्छा है। कोई पौधे होते हैं जो सेहत के लिए ख़राब होते हैं, नहीं तो हरियाली तो फ्रेंड्स सभी पौधे से बहुत शानदार लगती है। ये है कि थोड़ी सी जानकारी के अकॉर्डिंग अगर पौधे लगाए जाए तो कोई नुकसान नहीं है। और पौधों के तो हज़ारों गुण हैं, जैसे एलोवेरा के हज़ारों गुण हैं, सदाबहार के हैं, अपरजिता है, हरसिंगार है। अभी मेरा हरसिंगार का पौधा मेरे उस मकान में छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वो बहुत ही बड़े कैरेट में लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं कटिंग से ग्रो कर लूँगी, कटिंग लेके आऊँगी मैं। तो बस ये है कि अभी चल रहा है अप्रैल मई जून, तो बस आने वाला है बारिश का मौसम, भी 2 महीने यूँ निकल जाएंगे। जब तक तो मेरा गार्डन बहुत हरा भरा कर लूँगी मैं। और अब चलते हैं नीचे, देखिए मैंने सारे जीनिया के फ्लावर थे ख़राब, वो सब कट कर दिए हैं। और देखिए थोड़ा इनका साइज़ छोटा है, अब अच्छे से इनका बिग साइज़ हो जाएगा। और ये देख लीजिए, इसमें थोड़े थोड़े अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन है इनकी, तो अभी फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है। और ये देख लीजिए सारे फ्लावर हैं जो इनको मैंने इधर इकट्ठा कर लिया है, तो फ्रेंड्स इनको सूखने दूँगी, फिर इनका बीज डालूँगी, ये देख लीजिए। और अब चलते हैं नीचे, चलिए नीचे चलते हैं। संध्या का हो गई है और आपको दिखा देती हूँ मेरे मोगरे के, और देखिए फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई। सामने वाले भाभी जी ने आवाज़ लगा दी और उन्होंने है ना आज गोले वाली आइसक्रीम खिलाई मुझे, और मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाहर थोड़ा सा अंधेरा सा भी हो रहा था। तो आज सामने वाले भाभी जी के भैया ने आज गोले वाली आइसक्रीम दी है, तो खा लेती हूँ। और फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। और ये जो नीचे का काम है तो फ्रेंड्स ये कल ही करूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, क्योंकि ऊपर करना भी थोड़ा थोड़ा करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही है, और आप भी ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए, इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगर आज का मेरे वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।